नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येश ठकराल आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी वैदिक मैथ्स की लेक्चर सीरीज का 23rd लेक्चर लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने सबसूत्र 3 था वो कंप्लीट किया था। आज जो हम लेके आए हैं वो है सबसूत्र 4, जिसका नाम है केवल ही सप्तकम गुणियात, जिसका ट्रांसलेशन होता है 4-7 द मल्टीप्लिकेंट इज 1-4-3। सो ये जो सूत्र है वो जनरली यूज होता है अगर आपको किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करना है तो उसके लिए जनरली ये यूज होता है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे ये 1-4-3 एंड ये 7 यूज होता है। तो ये जो 7 है वो तो आपको जैसे मैंने बताया कि किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करने के लिए ये यूज होता है। तो ये 1-4-3 क्या है? तो ये जो 1-4-3 है वो जो आपके डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे, आप किसी भी नंबर को 7 से जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद जो आएंगे नंबर उसका एक साइक्लिक सीरीज बनता है जो है 1-4-2-8-5-7। ये नंबर रिपीट होता है। मानो कि आपने 1/7 किया तो आपका ये जो आंसर आएगा वो आएगा 0.142857। बट इसका 1-4-3 से क्या लेना देना है? तो जैसे ये बहुत बड़ा नंबर है, 6 डिजिट से, तो उसको जो है याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 1-4-3 को याद रख लेते हैं तो मैं इधर लिखता हूं 1-4-3, उसको अगर याद रख लेते और उसको जो हाईएस्ट नंबर 3 डिजिट्स में वो कौन सा है, 999, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने एक न्यूनयन पूर्वेण जो हमारा सूत्र नंबर 14 था जिसमें पढ़ा था कि अगर 9 और उसके रिपीटेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली हमें क्या करना है, ये जो नंबर इधर जिस नंबर को हम 9 और या उसी उसके रिपीटेशन से मल्टीप्लाई कर रहे उसका एक कम लिख देना है, यानी लिख देना है 1-4-2 बराबर। और ये जो 9 है उसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 1000, उसमें से 1-4-3 को माइनस कर देना है तो क्या आ जाएगा, 857। तो ये 1-4-2-8-5-7 आपका यहां से आया है। तो ये जो 1-4-3 से जो रिलेशन था वो एक्चुअली ये है। तो ये जो सूत्र है वो हमारे वो 14 नंबर के सूत्र जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो जरूर देखिएगा, तो आपको ये समझने में इजी हो जाएगा। तो ये 1-4-3 इसीलिए दिया हुआ है। तो अभी देखते हैं कि ये 1/7 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि ये कैसे आएगा, 0.142857। तो ऐसे ही अगर आपको कोई दूसरा नंबर जो है उसको 7 से डिवाइड करना है, मानो कि आपको 2/7 करना है या फिर 3/7 करना है या फिर 4/7 करना है, ऐसे कोई भी नंबर को आपको डिवाइड करते जाना है। कि हम इधर और भी लिख देते हैं, 5/7 करना है, 6/7 करना है, बस ये बाद में तो क्या आ जाएगा, 7/7 करोगे तो 1 आ जाएगा, ये तो हम जानते ही हैं। फिर मानो कि 8/7 करना है, फिर 9/7 करना है। तो मैं इतने एग्जांपल लेके आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि ये कैसे यूज हो रहा है। तो जैसे हमने ये 1-4-3 से हम लाए थे, ये जो आंकड़ा है ये जो डिजिट से 1-4-2-8-5-7, अभी इसके पीछे भी अगर आप लिखना चाहो तो यही जो है साइकिल रिपीट होते जाएगा। बट एक दूसरा चीज ये है कि ये जो डिजिट से वो ये 6 डिजिट ही रहेंगे, जब भी आप डिवाइड करने जाओगे किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करने जाओगे ये जो 6 डिजिट से वो
वही साइकिल में चलते रहेंगे। मानो कि आप 2/7 कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, पहले 0 पॉइंट लिख देना है बराबर, फिर आपको सिंपली क्या याद रखना है, 2 × 7 करना है, 2 × 7 करोगे क्या आ जाएगा, 14 बराबर। तो आपको लास्ट डिजिट जो है वो 1 4 लिख देना है, ये जो 6 डिजिट है उसमें आपका लास्ट डिजिट 4 होगा बराबर। 4 के बाद क्या नंबर है वो आपका फर्स्ट डिजिट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद क्या है 8, उसके बाद क्या है 5, इसके बाद क्या है 7, उसके बाद क्या है फिर से 1, और ये 4 जो था वो इधर आ गया। तो 2 × 7 किया 14 आया, तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो 4 है बराबर। 4 के बाद का जो है ये डिजिट ऐसे लिखते जाएंगे 2, 8, 5, 7, ये यहां से चालू करेंगे, ये आपका 4 का जो नेक्स्ट नंबर है वो यहां से चालू हो जाएगा। मानो कि आप कर रहे हो 3/7, तो पहले 0 पॉइंट लिख देना क्योंकि ये 7 से छोटा है, ये तो हम जानते हैं। 3 × 7 करोगे कितना हो जाएगा, 21 बराबर। तो आपका लास्ट डिजिट क्या होगा, 1, क्योंकि 21 में लास्ट डिजिट क्या है, 1। 1 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो यहां पे हमारा फर्स्ट नंबर बन जाएगा, तो ये क्या आ गया 4। 1 के बाद वाला इधर आ गया 4, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, और 1 तो लास्ट में है ही। तो आप देख रहे हो ये नंबर ऐसे अरेंज हो रहे, बट ये जो सीक्वेंस है डिजिट का सीक्वेंस है वो सेम है, मतलब आपको खाली याद रखना है 1, 4, 2, 8, 5, 7 बराबर। तो आप कोई भी नंबर होगा उसको 7 से इजीली डिवाइड कर पाओगे। मानो कि 4 है, 4/7 है, तो 4 × 7 क्या आ जाएगा, अभी थोड़ा फास्ट जाते हैं क्योंकि अभी तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, 4 × 7 क्या हो जाएगा 28, तो 8 विल बी योर लास्ट डिजिट, इधर 0 पॉइंट लिख देंगे बराबर। 8 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 5, 7, 1, 4, 2 और 8 तो है ही। मानो कि इधर 5/7 कर रहे हैं, तो 7 × 5 क्या हो जाएगा, 35, तो 5 विल बी योर लास्ट डिजिट बराबर। उसके बाद कौन सा नंबर है, 7, तो 0.7, फिर क्या आ जाएगा 1, 4, 2, 8 बराबर। 6/7 करने जाओगे, 6 × 7 कितना होता है, 42 बराबर, तो 2 विल बी योर लास्ट डिजिट, 0.2 के बाद कौन सा डिजिट है, 8, 5, 7, 1, 4 बराबर। अभी 7/7 जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था वो 1 हो जाएगा। अभी यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको 7 से बड़ा नंबर अगर आप करने जा रहे हो तो यहां पे आपको 7 से डिवाइड पहले कर ही देना है, और जो रिमाइंडर बचता है, इधर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा बराबर, इधर आपका रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा। तो 1/7 का जो आंसर है उसमें जो ये डिजिट्स है वो आपको ऐसे कैसे लिख देने हैं, तो क्या आ जाएगा 1. यहां पे देखो बड़ा नंबर था उससे तो 1 आ गया, 1.142857। 9/7 करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बराबर, तो 1.285714 तो ये बहुत ही इजीली आप किसी भी नंबर को जो है 7 से डिवाइड कर सकते हो। आपको जस्ट याद रखना है 1, 4, 2, 8, 5, 7 बराबर, और बड़ा नंबर है तो पहले 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आता है उस हिसाब से आपको आंसर लिखें। और एक चीज आप याद रख सकते हो, इसको याद रखने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि अगर आपको याद नहीं रहता कि भाई इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली आप समझिए ये सीक्वेंस देखिए, ये
142857 है, उसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। तो जब रिमाइंडर 1 रहेगा तो 1 आएगा, 2 रहेगा तो 2 आएगा। तो ये सीक्वेंस है 1 2 4 5 7 8, बराबर। ये 1 2 4 5 7 8 क्यों आया? क्योंकि ये जैसे आगे जाएंगे ये 142857 को ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो आप इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, बराबर। मैंने मानो कि इधर 1/7 किया तो पहले 1 आ गया, बराबर, फिर 42857 इधर 2 लिख दिया, उसके बाद वही सीक्वेंस रिपीट करते गए। बट ये थोड़ा आपको ये दोनों नंबर में गड़बड़ी ना हो इसलिए मैंने पहले वो रास्ता बताया था कि आप सीधा सीधा क्या करो कि आपको जो लास्ट डिजिट है पहले लिख दो और फिर आप आगे बढ़ो। सो आई होप ये सूत्र में आपको ये समझ में आ गया है, और ये सूत्र में और डिस्कस करने के लिए कुछ है भी नहीं। सो आई थिंक हमने जो ट्राई किया वो आपको समझ में आया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, आपको कुछ डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछे। हमारा वैदिक मैथ्स का लेक्चर सीरीज आपको कैसा लग रहा है उसका फीडबैक हमें ज़रूर दे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, हमारी वैदिक मैथ्स की सीरीज अच्छी लगी, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।